सुविधा के द्वारा उसमें हमारे सिवान जिले के एएसपी कांतेश मिश्रा उपस्थित थे और उन्होंने बताया कि सही मायने में इस देश का विकास तभी हो सकता है जब इस देश की महिलाएं सशक्तिकरण होंगी, सशक्त होंगी। और किसी भी देश का जब महिलाएं सशक्तिकरण होंगी, सशक्त होंगी, तभी देश का समुचित विकास होगा। यहाँ पर इस कार्यक्रम में जिले से आए अनेक और भी लोग उपस्थित थे। जीविका दीदी के माध्यम से लगभग हजारों की संख्या में यहाँ औरतें मौजूद थी। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम करने से हमारे देश की और खास करके ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके स्थिति में कितना सुधार हो पाता है। जीरा देही से मैं एटीएल लाइव के लिए रवि सिंह। भारतीय रुपये में अगर आता जाए तो 3 से 4 लाख रुपया सालाना वो कार्य करती है। जो आप समझती हैं कि जो घर में आप खाना बनाती हैं उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन उसको एक अगर स्टैंडर्ड रूप में अगर आर्थिक रूप में किया जाए तो आप भी वो कार्य करती हैं। जो महिला कुछ भी नहीं करती है दूसरों के शब्दों में, वो महिला फिर भी कार्य करती हैं। और जो महिला वाकई में कोई जॉब करती है, और नारी सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि अपने जीने का विकल्प को चुनना, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। महिलाओं को कुछ भी मिला, किसी से भी शादी कर दो, कुछ भी दे दो, जो जैसा दे दो वैसा वो एक्सेप्ट कर लेती थी। लेकिन सशक्तिकरण होने से ये होगा कि उनको समझ में आएगा, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था ना क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब अच्छा बुरा और क्या उनके लिए सही है क्या उनके लिए गलत है ये समझ में आ जाए तो वो शायद कह पाए कि नहीं मुझे ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, मतलब अपने लिए वो विकल्प को चुन सके, तभी हमारी नारी सशक्त हो पाएंगी। और दूसरी बात जो अभी हमारे समाज में है कि अभी तक लोग घर के पर्दे के पीछे से कुछ भी मेरा सहयोग।